एक और अपडेट देखिए, अजरबैजान पर आर्मेनिया का पलटवार। अजरबैजानी सेना को आर्मेनिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। फायरिंग के जवाब में आर्मेनियाई आर्मी ने भी फायरिंग की। हमले के बाद अलर्ट मोड पर आर्मेनिया की सेना। और देखिए इसी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हमले के बाद आर्मेनिया के पीएम ने बुला लिया है इमरजेंसी बैठक। रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के साथ हालात पर चर्चा की जा रही है। अजरबैजान के हमले के बाद बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। तो देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। और जब जब इन दोनों के बीच जंग हुई है, नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है वो सेंटर पॉइंट बना नजर आया है। ये सिलसिला दशकों से जारी है और एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने नजर आ रहे हैं। 2 साल बाद क्या फिर यहां की धरती पर विनाश लौट आया है, ये बड़ा सवाल है। आर्मेनिया अजरबैजान में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऐसे में कई बड़े सवाल जो हैं वो पैदा हो जा रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर दोनों देशों के, आर्मेनिया और अजरबैजान के जवान आपस में भिड़ते नजर आए। 4 जवानों की जान चली गई। अजरबैजान आर्मेनिया पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है क्या, इसलिए ये पहला सवाल खड़ा होता है। लाचिन बॉर्डर से शुरू हुई जंग दूसरी जगहों पर भी कहीं शुरू तो नहीं हो जाएगी, आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। आर्मेनिया के पलटवार के बाद अजरबैजान बड़ा बदला लेगा, इसके आसार भी बने हुए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आर्मेनिया अजरबैजान जंग से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जब आर्मेनिया अजरबैजान की जंग अपने चरम पर थी तो उस वक्त भी दो धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे थे, आर्मेनिया का खेमा, अजरबैजान का खेमा। डॉक्टर पीके घोष, अब किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं और अगर ये चिंगारियां और सुलगती हैं या सुलगाए जाने की कोशिश की जाती है तो क्या हो सकता है इस पूरे रीजन में? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत ही जटिल और पुराना है, ये नागोर्नो काराबाख का ऊपर जी। इसमें जो रहते हैं वो आर्मेनियन हैं और ये जो एरिया था ये अजरबैजान को दिया गया जब रूस ने एक मीडिएशन किया, तो अभी तक लोग इस पर खफा हैं। और बड़ी बात ये है कि रूस के 1000 कुछ पीस कीपर्स वहाँ पर अभी तक डिप्लॉयड हैं। तो ये बात ये है, इसमें और एक बात ये है कि दोनों अजरबैजान और आर्मेनिया ईयू का भी मदद ले रहे हैं मीडिएशन एफर्ट्स। पीके घोष, एक इसमें सवाल यह है कि 2020 में जब युद्ध हुआ था, इसके बाद जिसको खत्म किया गया था मीडिएशन के बाद, तब एक बड़ा इलाका नागोर्नो काराबाग का आर्मेनिया ने खो दिया था, अजरबैजान को वहां बढ़त मिली थी। तो अब ये जो टेंशन हो रही है वो क्यों? क्योंकि अजरबैजान ही आर्मेनिया पर हमला कर रहा है, उसकी पोस्ट पर हमला कर रहा है। ये जो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों साइड ने माना नहीं है। वैसे रूस ने इसका मीडिएशन किया है, ईयू ने, ईयू और नेटो ने भी इसका मीडिएशन करने की कोशिश किया है, ठीक, लेकिन ये सुलगता रहता है, ये सुलगता रहता है और ये पहली बार नहीं है।